क्वेश्चन नंबर 14 इवेलुएट 64 अपॉन 125 होल टू द पावर -2 अपॉन 3 तो फर्स्ट स्टेप में हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको अगर आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो इसमें ये 64 अपॉन 125 का रेसिप्रोकल होगा। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस लॉ को, a अपॉन बी टू द पावर -m इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर m। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में रफ में हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 125 और 64, इसको हम 5 से लेंगे, ये होगा 125, और अगेन 5 से लेंगे, ये होगा 5। इक्वल टू 125 में ये होगा 5 क्यूब, और 64 ये हो रहा है 2 टू द पावर 6। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर क्यूब होल पावर 2 अपॉन 3, 2 टू द पावर 6 होल पावर 2 अपॉन 3। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें पावर टू द पावर पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे, 5 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3, और इसमें होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 2 अपॉन 3। तो ये हो रहा 5 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 टू द पावर 4 16। आंसर।